गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में मैम ने आप लोगों को पार्ट आठ नई दिवाली इसकी रीडिंग करके बताया था, है ना। और साथ में ये शब्द अर्थ भी लिखने के लिए कहा था। और मैंने भी आपको ऑनलाइन फेस टू फेस क्लास में आपको ये चैप्टर पढ़वाया था और साथ में हम लोगों ने ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी किए थे ना। तो अब हम लोग आज लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आप लोग अपनी कॉपी ओपन कर लेंगे, ठीक। चलिए कॉपी खोल लीजिए और जो मैं दिखा रहा हूँ आप उसको नोट करिए। पहला प्रश्न, रात को जब नमन घर पहुँचा तो पड़ोसी ने क्या बताया। रात को जब नमन घर पहुँचा तो पड़ोसी ने उसे बताया कि उसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं। जब वो आया था तो पटाखा जब गिरा था उसके पापा पे, उनको चोट लग गई थी, तो वो अस्पताल में थे। जब वो घर आया दिवाली मनाकर, तो उसके पड़ोसी ने उसको बताया था ना कि पापा अस्पताल में भर्ती हैं। तो रात को, देखो क्वेश्चन ही मैंने आधा उतारा बेटा, रात को जब नमन घर पहुंचा तो पड़ोसी ने उसे बताया, ये तो क्वेश्चन हो गया कि उसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं, ठीक। चलो अगर मान लो आप नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो पॉज कर लेंगे, ये तो आपको ट्रिक पता है, ठीक। अस्पताल में पहुंचकर नमन ने क्या देखा। अस्पताल में पहुंचकर नमन ने देखा कि उसके पापा के शरीर पर बहुत सी पट्टियां बंधी हुई हैं। अस्पताल में पहुंचकर नमन ने देखा कि उसके पापा के शरीर पर बहुत सी पट्टियां बंधी हुई हैं। नमन ने पापा से पूछा कि यह सब आपके साथ कैसे हुआ। पूछा ना उसने पापा से कि दिवाली का त्यौहार है, सब लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं और हम लोग, आपको चोट लग गई है ना। नमन ने पापा से पूछा कि यह सब आपके साथ कैसे हुआ, है ना। हम नोट, वीडियो पॉज कर लीजिएगा तो नोट कर लेंगे। नमन और उसके दोस्तों ने क्या कसम खाई। नमन और उसके दोस्तों ने यह कसम खाई कि अब हम नई दिवाली मनाएंगे, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, अच्छे से अब नई दिवाली मनाएंगे। नमन और उसके दोस्तों ने यह कसम खाई कि अब हम नई दिवाली मनाएंगे। देखो ये प्रश्न उत्तर है, यहाँ से लेकर के दो प्रश्न उत्तर दिख रहे हैं आपको, तो आप इसको वीडियो पॉज कर लो, यहाँ लिख लो, फिर देखो ये दो प्रश्नों के उत्तर आपको फिर दिख रहे हैं। अब आप फिर वीडियो पॉज कर लो और आपका उत्तर लिख लो, ठीक। चलो अब हम लोग इसके अभ्यास को करते हैं। अच्छा एक प्रश्न और छूट गया, ये आप अपने से लिखेंगे, ये मैंने उत्तर नहीं लिखा, इसको आप अपने से लिखेंगे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, तो मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ, बाकी आप अपने मन से कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, ठीक है, कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें कोई भी त्यौहार ऐसे मनाना चाहिए जिससे कि दूसरों को परेशानी ना हो, ये हमने सीखा। तो इसका उत्तर आप अपने से लिखोगे, इसलिए मैंने ये उत्तर नहीं लिखा। बहुविकल्पीय प्रश्न, देखो नमन के पापा किसे देखने गए थे, बीमार मित्र को, सिनेमा या चिड़ियाघर। उसके पापा बीमार मित्र को देखने गए थे। नमन अपने दोस्तों के साथ क्या मना रहा था, दिवाली, होली या ईद। दिवाली, पटाखे तो दिवाली में चलाते हैं। उसके पापा किस सवारी से घर आ रहे थे, कार से, बस से या स्कूटर से। स्कूटर से, है ना। नमन और उसके दोस्तों ने क्या प्रण किया, नई दिवाली मनाना, पटाखे जलाना, शरारत करना, नई दिवाली मनाना, ठीक है। अब देखो ये यहाँ नोट कर लो, दिवाली है ना, दिवाली, द, द में बड़ी की मात्रा है, तो ई, देखो ये द के नीचे हमने हलंत लगाया, व, अ में इसमें आ की मात्रा है, फिर ये देखो त्यौहार, तो ये आधा त है, तो इसका मतलब इसमें अ नहीं मिला हुआ, तो त, य, ओ की मात्रा है, ह, आ, ह में आ की मात्रा है, र और अ, त्योहार। उसी तरह स्कूटर, स, क,
टॉ में बड़े उ की मात्रा, मतलब इस कौ में बड़े उ की मात्रा, ट अ र अ स्कूटर, नमन न अ म अ न अ पट्टी, प अ ट फिर ट फिर बड़ी उ की मात्रा पट्टी। अब देखो पढ़ो और लिखो, खुशी का खुशियां मनाया, परेशानी का परेशानियां हो गया, कहानी का कहानियां हो गया, पहेली का पहेलियां हो गया, पट्टी का पट्टियां हो गया और छुट्टी का छुट्टियां हो गया। अब यहाँ वीडियो पॉज कर लोगे और इसको नोट कर लोगे, ठीक है। अब देखो पाठ में से ओ की और ओ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखे। योजना, देखो ओ की मात्रा लगी, कोने, होश, और में देखो ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ में त्योहार, रोने, क्या निम्न शब्दों के उल्टे शब्द लिखने हैं, तो नई का पुरानी, खुशी का गमी, हंसना का रोना, दिन का रात, जाना का आना, मित्र का शत्रु, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भरना है हमें अपने से, दिवाली का त्यौहार बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे दिवाली के दिन पटाखे जलाते हैं, सभी इस दिन अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, वो खंबे से जा टकराया, नमन के पापा अस्पताल में भर्ती थे। अब देखो आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों, पांच वाक्य लिखने हैं। अब तो मेरे को पता नहीं आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, अब ये आपको लिखना है कि आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों पसंद है। ये बात आप यहाँ लिखोगे, होली पसंद है कि दिवाली पसंद है कि दशहरा दुर्गा पूजा पसंद है कि आपको रक्षाबंधन पसंद है, जन्माष्टमी पसंद है, जो सा भी त्यौहार, या ईद पसंद है, तो कोई भी त्यौहार, जो आपको त्यौहार पसंद हो उसके बारे में आपको यहाँ पांच लाइनें लिखनी है। कौन सा त्यौहार, जैसे अभी जैसे लिखूंगा मुझे दिवाली का त्यौहार पसंद है, एक हो गया वाक्य, दूसरा वाक्य दिवाली वाले, दिवाली के त्यौहार में मैं ढेर सारे पटाखे जलाता हूँ, दूसरा हो गया दिवाली के दिन हम घर वाले सब मिलकर पूजा करते हैं, दिवाली का त्यौहार मुझे इसलिए पसंद है कि इस दिन खूब ढेर सारी घर में मिठाइयाँ बनती हैं, ऐसे करके बना लेंगे अपने मन से, ठीक है। आप देखो नीचे दिए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को उनके मुख्य त्यौहार से रेखा खींचकर, होली, होली में तो हम लोग गुजिया खाते हैं तो गुजिया के साथ, ईद में सेवई खाते हैं, दिवाली में मिठाई बर्फी खाते हैं और क्रिसमस में केक खाते हैं, है ना। दिवाली आप किस तरह मनाते हो, सही वाक्य पर टिक करने, एक दूसरे को मिठाई और बधाई देकर, सही बात है, अधिक से अधिक पटाखे छोड़ते हो, तो इसलिए इस पर टिक नहीं लगाएंगे। आप पटाखे नहीं छोड़ते क्योंकि आप जानते हो कि इससे वातावरण की हवा जहरीली हो जाती है, ये तो नहीं करते हो आप, तो छोड़ते हो पटाखे, चलो लगा देते हैं टिक, घर को सजाकर और रंग बिरंगी रोशनी लगाकर, सही बात है। अब देखो इसमें जो वर्ड अलग है उस पर गोला लगाना, जैसे भालू, चीता, बंदर, मगर, देखो तो भालू, चीता और बंदर जमीन पर रहते हैं, मगर पानी में रहता है, इसलिए अलग है। सेब, केला, पालक, नाशपाती, देखो सेब, केला और नाशपाती जो है वो हमारा फल है और पालक सब्जी है, तो इसलिए ये गोला लगा दिया। राम, मोहन, सीता, रवि, देखो राम, मोहन और रवि लड़के का नाम है, सीता जो है वो लड़की का नाम है। होली, ईद, बाल दिवस, दिवाली, देखो होली, ईद और दिवाली है ना, ये त्यौहार जो हैं वो व्यक्तिगत त्यौहार है और ये वाला बाल दिवस जो है वो राष्ट्रीय त्यौहार है, तो इसलिए इस पर गोला लगा दिया, ठीक। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, अब हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे बेटा, तब के लिए बाय। सुंदर सुंदर राइटिंग में काम करेंगे, गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओके।